हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी के थ्रू कैसे गाड़ी का रिटेल करेंगे, कैसे गाड़ी का इनवॉइस बनाएंगे। तो सीधा आप मेनू पे चले जाइए। मेनू पे जाने के बाद इंक्वायरी का ऑप्शन दिखेगा, इंक्वायरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जिस भी कस्टमर का आपने इंक्वायरी किया है यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हैं इसको इनवॉइस करना, सबसे पहले आप मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए इस कस्टमर का आपने फॉलोअप किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आप फॉलोअप कर ले। सेम डे अगर ले जा रहा है तो सेम डे बिलिंग करके लिखने के बाद अपडेट कर दीजिए। देन उसके बाद क्रिएट बुकिंग कर लीजिए। अगर इस कस्टमर का बिलिंग करना है तो आप सीधा क्रिएट बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद मॉडल को सिलेक्ट कीजिए। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कर लीजिए। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कीजिए। देन उस कस्टमर फिर तीन डॉट पे क्लिक करके मॉडिफाई कीजिए। सेकंड स्टेप के लिए फिर से मॉडिफाई कीजिए। उसके बाद अगर कस्टमर फाइनेंस से है, अगर कस्टमर फाइनेंस से है तो आप मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एचपी स्कीम दिखेगा आपको। बीच में आपको एचपी स्कीम का एक ऑप्शन दिखेगा, आप एचपी स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सेल्फ एचपी आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको सेल्फ एचपी दिख रहा है, आप सेल्फ एचपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। देन कौन सा फाइनेंस कंपनी है, जो भी आपका फाइनेंस कंपनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन एचपी स्कीम नॉर्मल सेलेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट अगर जिस किसी का भी यहाँ पे नॉर्मल शो नहीं कर रहा है तो आप सीधा अपने ऑल डीएमएस में चले जाइए। ऑल डीएमएस में जाने के बाद आप सीधा मास्टर में जाइए। मास्टर में जाने के बाद आपको सेल्स का ऑप्शन दिखेगा। सेल्स वाले ऑप्शन पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो राइट साइड पे आप एक और पेज खुलकर आएगा, उसमें आपको लिखा रहेगा एचपी स्कीम। आप उस एचपी स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट करने का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद जो भी आपका फाइनेंस कंपनी है जिसका नॉर्मल नहीं शो कर रहा है तो आप उस फाइनेंस वाली कंपनी को सेलेक्ट करिए। एंड देन स्कीम नेम में नॉर्मल लिख लीजिए। स्कीम नेम में नॉर्मल लिख लीजिए। लिखने के बाद जो भी इसका डाउन पेमेंट वगैरह डालने के बाद सेव कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे तो आप जहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर रहे थे वहां पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको नॉर्मल दिख जाएगा। आप नॉर्मल को सेलेक्ट कर लीजिए। देन क्या लोन अमाउंट वगैरह है, आप लोन अमाउंट को पुट कर लीजिए। क्या डाउन पेमेंट दिया है कस्टमर ने, वो डाउन पेमेंट को यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रिलीज नोट रिसीव्ड। अगर आप इस पे टिक नहीं करेंगे तो आपको ये पेज आगे नहीं जाने देगा, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में ये जाने नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे टिक करना बहुत ही मैंडेटरी है। आप इसको अगर टिक करेंगे, टिक करने के बाद तुरंत आप इसे अपडेट कर दीजिए। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये इनवॉइस में दिखेगा नहीं कि ये फाइनेंस से गाड़ी बिका है। सो आपको अपडेट करना यहाँ पे मैंडेटरी है। आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद फिर से मॉडल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी मॉडल कलर है यहाँ डाल दीजिए। अगर यहाँ पे जीरो शो कर रहा है तो आपने यहाँ पे शायद मॉडल या कलर गलत उठाया है। तो यहाँ पे स्टॉक शुड नॉट बी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी है तो हम सीधा चले जाएंगे क्रिएट अलॉटमेंट के ऊपर। क्रिएट अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इसका फ्रेम नंबर है यहाँ पे रिमूव फ्रेम नंबर के सामने स्टॉक अवेलेबल सेम मॉडल लिखा रहेगा। आप उस वाले साइट पे क्लिक करिए। जो भी आप चेचिस नंबर देना चाह रहे हैं इस कस्टमर को, जो भी आप चेचिस नंबर अलॉट करना चाह रहे हैं वो चेचिस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। देन एड फ्रेम नंबर पहले करेंगे। एड फ्रेम नंबर पहले आप करेंगे, देन क्रिएट करेंगे। क्रिएट जैसे ही करेंगे उसके बाद फिर से मॉडल को सिलेक्ट कीजिए। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट इनवॉइस करेंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट इनवॉइस। क्रिएट इनवॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीआईसी इंफॉर्मेशन मांगेगा। सीआईसी इंफॉर्मेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको पूरा ना भरने के लिए क्या करेंगे, ओनर इज द यूजर पे आप सीधा टिक कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक जो भी डाटा है ये
ले लेता है। उसके बाद यूजर इन्फो डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा ऊपर में, यूजर इन्फो डिटेल्स में जाके क्या डेट ऑफ बर्थ है कस्टमर का जो गाड़ी ले रहा है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर आप पैन कार्ड नहीं भी डालेंगे नो इशू, गाड़ी बिलिंग हो जाएगा। आधार कार्ड नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जिस किसी भी कस्टमर का आधार नंबर है तो डाल दीजिए तो बेहतर रहेगा इन फ्यूचर में। उसके बाद लैंग्वेज जो भी जानता है वो डाल दीजिए एंड देन क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेल्फ अरेंज, दो बार सेल्फ अरेंज का ऑप्शन आएगा, दोनों बार सेल्फ अरेंज पे टिक कर लीजिए। देन आपको राइट साइड के ऊपर में देखिएगा क्रिएट का ऑप्शन है, फिर क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद प्रिंट करके कस्टमर को बिल दे दीजिए और फॉर्म 18, 19, 20 जो भी आपको फॉर्म निकालना है आप यहां से निकाल सकते हैं। थैंक यू।